प्रदेश सरकार ने यदि निजी बस ऑपरेटरों की मांगे नहीं मानी तो पूरे प्रदेश भर में 21 जून को निजी बसें अपना पहिया जाम करेंगी। ये निर्णय निजी बस ऑपरेटर यूनियन की राज्य कार्यकारिणी की बैठक के दौरान पदाधिकारियों और ऑपरेटरों ने ध्वनिमत से सामूहिक रूप से पारित किया है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजेश प्राशर, महासचिव रमेश कमल विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बिलासपुर जिला के प्रधान राजेश पटियाल ने की। पदाधिकारियों ने कहा कि 21 जून को पूरे प्रदेश भर में सांकेतिक धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से किया जाएगा। यदि इससे पहले प्रदेश सरकार निजी बस ऑपरेटरों की मांग को मान लेती है तो यूनियन द्वारा सांकेतिक धरना नहीं दिया जाएगा, लेकिन यदि मांगे नहीं मानी जाती हैं तो 27 से क्रमिक अनशन पर बैठा जाएगा। ये प्रदर्शन पूरे प्रदेश भर में किया जाएगा। बैठक में पूरे प्रदेश भर के निजी बस मालकों को आ रही समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इसके उपरांत आगामी रणनीति बनाई गई। राजेश प्राशर ने बताया कि डीजल की मूल्यों में काफी वृद्धि हो चुकी है, जिससे ऑपरेटरों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। डीजल के दामों के साथ ही बस अड्डा की फीस, रिपेयर पार्ट्स, इंश्योरेंस, ग्रीन टैक्स की फीस भी इतनी बढ़ चुकी है जिससे बसों के खर्च तक पूरे नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी समस्या से जूझते हुए कुछ ऑपरेटरों ने बसों को खड़ा करना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि यदि सरकार इस ओर विशेष ध्यान नहीं देती है तो वह दिन दूर नहीं जब सभी ऑपरेटरों को अपनी बसें खड़ी करनी पड़ सकती हैं। प्राशर ने कहा कि दिन प्रतिदिन बढ़ रहे डीजल के दामों व अन्य कलपुर्जों के दामों से ऑपरेटरों की देनदारी बढ़ती जा रही है, जिससे ऑपरेटर दिन प्रतिदिन देनदारियों में फंसता जा रहा है। उन्होंने कहा कि 50,000 की इंश्योरेंस अब 70,000 की हो चुकी है। वहीं जिला प्रधान राजेश पटियाल ने कहा कि यदि सरकार लोगों को सस्ती परिवहन सुविधा देना चाहती है तो डीजल का दाम 50 रुपए से ऊपर का है उसे सब्सिडी के रूप में और अन्य कलपुर्जों पर जो बढ़ोतरी हुई है उसे टैक्स के रूप में छूट दे। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है तो निजी बस ऑपरेटर आत्मदाह करने पर मजबूर होंगे। सभी ऑपरेटर्स ने मुख्यमंत्री व परिवहन मंत्री से मांग की है कि ऑपरेटरों के हितों का ध्यान रखते हुए लोकल किराए में 10 रुपए व प्रति किलोमीटर किराए में 50% बढ़ोतरी की जाए, अन्यथा ये रूट परमिट सरकार को जमा करवाकर अनशन करने पर मजबूर होंगे। आज हमारी प्रदेश स्तरीय बैठक हुई है जिसमें प्रदेश के सभी जिलों से निजी बस ऑपरेटरों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। आज निजी बस ऑपरेटर डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर बड़ा परेशान है। डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि बाकी खर्चा पूरा करना तो बड़े दूर की बात है। जो बस अपने रूट पे चलकर सारे दिन का डीजल खर्च भी कमा नहीं पा रही, जितने पैसे वो कमाती है उतने डीजल में उससे ज़्यादा लग रहे हैं। बहुत से अधिकांश ऑपरेटर मन बना चुके हैं कि अगर सरकार समय पर कोई फैसला नहीं रहती है तो हम अपने रूट परमिट जमा करा के ऑफ रूट हो जाएंगे जब तक कोई स्थायी हल नहीं होता। आज सभी ने चर्चा करी, हम कल और दो दिन में सभी जिलों के जो बस ऑपरेटर हैं अपने अपने जिला अध्यक्षों को भी बोलेंगे। हम प्रदेश की तरफ से हमारा जो है चीफ सेक्रेटरी को मेमोरेंडम चला जाएगा। कल 21 तारीख को प्रदेश में सांकेतिक हड़ताल की घोषणा की जाती है। तारीख को हमारी जो मांगे हैं उन पर नहीं विचार होता तो 27 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हिमाचल प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर चले जाए वो भरेगा। हमारा सिर्फ मोटो यह है कि जागो सरकार, जागो जागो सरकार, जागो। हालात बहुत बदतर हो गए हैं, अगर देरी होगी तो ऐसा ना हो किसानों की तरह निजी बस ऑपरेटर भी आत्मदाह देने पे मजबूर हो जाए।